Milan Srishti and We Support Foundation presents Board Results Improvement Initiative by Chief Minister's Good Governance Associates Program and Star Teachers from Faridabad. Topic discuss करेंगे chapter number 6 जया प्रक्रम से मानव श्वसन तंत्र के बारे में. तो मानव श्वसन तंत्र पे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है या फिर 3 मार्क्स में सीधे डायग्राम भी आपसे पूछ सकते हैं. तो चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हर एक पार्ट की आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो वो भी देख लेते हैं एक बार. सबसे पहला नासाद्वार. ऑक्सीजन गैस का जो प्रवेश स्थल है सबसे पहले वो नासाद्वार ही होगा जहां पर बहुत महीन जो है वो बाल भी उपस्थित होते हैं जो एक तरीके से हमारी जो वायु है उसको छानते हैं फिल्टर करते हैं और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं धूल के कण हैं उनको भी वहां पर जब्त कर लेते हैं ताकि आगे जो साफ सुथरी जो वायु है वो शरीर में प्रवेश करे. वहां से फिर अगला पार्ट है नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी. नेजल कैविटी जो है वो ऑक्सीजन को आगे की ओर. नेजल कैविटी का काम क्या है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से एंटर हुई है नासा द्वार से वहां पर एयर को फिल्टर करके वापस आगे की ओर भेजेगी और नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे ग्रसनी जिसे फैरिंक्स भी कहा जाता है और ये वो स्थान है जहां पे श्वास नली और भोजन नली दोनों सेपरेट होते हैं. तो ग्रसनी वो पार्ट हो गया जो हमारी फूड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप जो ट्रेकिया जिसे हम बोलते हैं उसको सेपरेट करेगा उसको अलग कर देगा. उसके बाद यहां से होते हुए जो ऑक्सीजन गैस है वो कर्ण जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं या वॉयस ऑर्गन भी कहा जाता है यहां से होते हुए श्वास नली के पास जो मुख्य भाग है जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं और इस ट्रेकिया में उपस्थित होते हैं कुछ उपास्थि वलय जिनकी लोकेशन यहाँ दिखा रही हूं मैं आपको. इन्हें कहेंगे हम उपास्थि वलय. कार्टिलेजिनस विंग्स भी कहा जाता है इनको जिनका काम क्या होता है कि जो वायु है वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है हमारे सिस्टम में प्रवेश करती रहे और वायु का जो मार्ग है वो निपतित ना हो यानी कि अवरुद्ध ना हो या जो हमारा ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए. तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा? उपास्थि वलय ध्यान रखेंगे. उसके बाद है श्वसनी. जैसे ही हमारा जो ट्रेकिया है श्वास नली है वो आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी तो विभाजित जो नलियां होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? श्वसनी. और भी आगे जाके छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी. श्वसनी आगे जाके विभाजित होके और छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाता है जैसे कि मैंने बताया पहले पेड़ की शाखाओं की तरह विभाजित हो जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? श्वसनिकाएं. और श्वसनिकाएं अंत में जो है वो गुब्बारे रूपी संरचना तो लास्ट में जो है वो गुब्बारे रूपी संरचना यहाँ पर आपकी बनेंगी. बहुत सारी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई या फिर गुटिकाएं जिन्हें हम कहते हैं या एयर सैक भी इन्हें कहा जाता है. आप एल्वियोलाई कह लो एयर सैक कह लो या गुटिकाएं कह लो एक ही बात है. तो इनका मुख्य काम क्या होता है कि यहाँ पर जो गैस है उसका आदान प्रदान. वन मार्क में क्वेश्चन बनेगा कि गैसों का आदान प्रदान मानव श्वसन तंत्र के कौन से भाग में होता है तो आप लिखेंगे गुटिकाएं. यहाँ पे जो गुटिकाओं की जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है जो सबसे बड़ा एडेप्टेशन है किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए. गैसों का आदान प्रदान अगर करना हो तो वहां पे मेम्ब्रेन का बहुत पतला होना बहुत जरूरी है और एल्वियोलाई में रक्त वाहिकाओं का जाल उपस्थित होता है. तो बस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रक्त वाहिकाओं के पास पहुंचा दी जाती है. रक्त आपको पता है हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है प्रवाहित होता है तो वहां पे जितने भी हमारे ऊतक हैं या शरीर के जितने भी अंग हैं कोशिकाएं हैं वहां तक ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा और रक्त में भी कौन? हीमोग्लोबिन. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करा के कोशिका तक पहुंचाएगा हर भाग तक पहुंचाएगा जिससे क्या मिल जाएगी वहां पर? ऑक्सीजन मिल जाएगी. और ऑक्सीजन जब पहुंचेगी वहां पे ग्लूकोज का विखंडन करेगी वहां से हमें ऊर्जा मिलेगी और साथ साथ क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आने का स्थान भी यही रहेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
उत्तकों से होते हुए रक्त के पास आएगी और रक्त से जाएगी गुटिकाओं के पास, फिर वहां से श्वसनिकाएं, फिर श्वसनी, फिर श्वास नली, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, फिर नासा गुहा, नासा द्वार, और वहां से बाहर नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चों इस सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम आप बना सकते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू।